हो गया डेली रूटीन शेयर किए हुए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मंजू तिवारी अपने एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हंस रही हूँ तो मुझे एक बात याद आ गई, आरती का जो है अररिया कांड का, तो आरती और मनु क्या नाम है उनको हंसी आ गई थी, उस पर कितना सारा बवाल हो रहा है। तो एक बात कहना चाहूँगी, मेरी दादी कहती थी हाथ बरजे गोड़ बरजे नैना बरज न जाए, और 32 दांत में कैसे बरजे बैरिक से मुस्काए। तो ये जुबान मुस्कुराहट जो होती है ना, कभी अच्छी बात पर भी हंसी आ जाती है, कभी खराब बात पर भी हंसी आ जाती है। मुस्कुराहट खुशी और गम नहीं देखती है, जो वो आ ही जाती है, इसका एक अलग ही तरीका है। जिसके लिए किसी की हंसी मतलब कई तरीके की होती है, उस पर आप जो है ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो शाम के खाने में मैं क्या बना रही हूँ, यहाँ पर मेरा उबल चुका है पपीता, मैंने काट के रखा हुआ था, मतलब अम्मा ने काटा था, हमने नहीं काटा था। तो कल का काटा पपीता है जो है, और ये देखिए कल का काटा पपीता मैंने काट के रखा हुआ था, हाथ में लिए हैं, मोबाइल को दूर से दिखा रहे हैं आप लोगों को, वो नहीं है। एक तो हमारा काइन मास्टर ऐप है ना, उसको सिर पे आ जाता है बहुत बुरा। ये है दूध शाम का उबाल के रखे थे, खा लिए हैं, और ये अभी का जो दूध लेके आए हैं उसको थोड़ा छान के रख देंगे इंडक्शन पर। तो बने रहिएगा क्या बनाएंगे शाम के खाने में। भैया हमारा रियल लाइफ ब्लॉग है, डेली ब्लॉग है, सब कुछ दिखाते रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर लिया करिए, लाइक शेयर। ये देखिए दूध लेके आए हैं, इसको छानेंगे और छान करके रखेंगे इंडक्शन पर। तो पपीता जो पकाए हैं उसमें आधा सब्जी बनाएंगे अपने लिए, आज बनता है या कल सुबह बनेगा कुछ आता पता नहीं है, थोड़ा सा हलवा बना देंगे उसको। ऐसे तो घिस कर बनाते हैं लेकिन इसको मिस देंगे, सारा सब्जी जैसा कट गया है। तो देखिए दूध रख दिए हैं उबलने के लिए, और चलते हैं बाहर दिखाते हैं अम्मा क्या कर रही हैं। यहाँ पर अम्मा काट रही हैं आलू, गाय का दूध निकाल के लाए, देखो मैंने थाली भी नहीं दिया है, अरे अम्मा बस करो। और पिताजी लेके आए हुए हैं मेथी और सोया, अरे निकालेंगे, इसको साफ करके रखा है, थोड़ा सा दूध निकालना था, अंधेरा हो रहा था तो दूध निकालने चली गई मैं और अम्मा। जैसा कि नंदू हमारी नहीं है तो दोनों लोग जाते हैं तो आसानी से दूध निकल जाता है, नहीं तो जब बच्चा नहीं है दूध निकालने में दिक्कत होती है। इतना सोया मेथी काट के रख के मैं गई थी दिया जला के भगवान के पास, और चाय दिया पिताजी को, अम्मा को, और एक लोग और आए थे गांव के, चाय बना के और ये पपीता रख के गई थी। अब अम्मा काट रही हैं सब्जी, ये थोड़ा सा है इसको साफ़ करके दे देंगे, अम्मा काट देंगे, इसके बाद हमारा दूध गर्म होगा, फिर सब्जी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए एक थाली लेके आते हैं, सब्जी धोना है काटना है, सारा काम उल्टा पुलटा रहा था। हमारे देखा लहसुन छिलक रहे बैठी रहे ही, बच्चा लोग आ रहे हैं स्कूल से तो वहीं चूल्हा पर रख दिए भाई, डांट खाई थी। जब तक सब्जी कट के तैयार हो जाए बाटे हैं धोए वोले थे, तब तक वीडियो में बना रह जाए, छोड़ के ना जाए तब से हमारा मदद ना करते, हम बहुत नाराज़ चल थे अपने यूट्यूब फैमिली से का। जाए थाली लेके अम्मा दे दी, बना रह जाए छोड़ के ना जाए, दूध गर्म हो जाए तब तक। ओ हाय एवरीवन, ये देखिए मैंने कढ़ाई रखा हुआ है, अब कढ़ाई में मैंने डाल रखा है तेल सरसों का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं साग को मैंने अच्छी तरीके से धुल लिया है, 2 से 3 पानी में बढ़िया से मैंने इसे साफ़ किया है। नहीं देखो खेत में मिट्टी रहती है, सिंचाई वगैरह होती रहती है। यहाँ पर लहसुन जो है कम से कम 25 कलियाँ हैं जो कि मैंने काट के रखा हुआ, एक मिर्ची है और थोड़ी सी आलू कट करके रख लिया है हमने, आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर बना लेते हैं फटाफट से मेथी और आलू का साग। तो मेथी जो है गर्म होती है और ठंडी में अगर आप खाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही इसका लाभ रहता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। मेथी का साग हुआ, सरसों का साग हुआ, बथुआ का हुआ, और मक्के और बाजरे की जो रोटी होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है। वो यहाँ पर तड़का ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं, क्या ही करूँ मुझे तो समझ में कुछ नहीं आता कि आप लोग हमारी वीडियो को क्यों नहीं देखते हैं जो है। इसके बाद लगाना है हमको आटा, आटा लगा के रोटी बनाएंगे। दूध हमारा जो है गर्म हो चुका है, चलिए दिखाते हैं आप लोग को। दूध गर्म करके यहाँ पर रख दिए ठंडा होने के लिए, जो है हाफ प्लेट इसलिए रखते हैं ताकि साड़ी पड़ जाए, इसमें चावल थोड़ा सा है, और जो दोपहर की सब्जी बनाए थे आलू गोभी टमाटर की जो है, अब आप बोले कि तवे से ढक दिया है तो बच्चे आए खाए प्लेट वगैरह इधर उधर हो जाते। चलो दिखाते हैं बर्तन, अभी बहुत सारा धुल, ये देख लीजिए थोड़ा धुंधला आ रहा है,
क्योंकि आंगन में लाइट एक ही लगी हुई है। बर्तन धोना है यहाँ पर अभी हमें। ये है हरी मिर्ची, इसको ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा जो लहसुन है हमारा पक गया है। चूड़ियाँ हमारी ढकी पड़ी हैं स्वेटर के नीचे, तड़का पक रहा है। उसके बाद सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे मेथी। तो आप लोग को हम अपना डेली रूटीन और हर चीज़ का ब्लॉग दिखाते हैं, जो मेरी जर्नी है, जो मेरी लाइफ स्टाइल है, जैसे मैं ज़िंदगी अपनी जीती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे भी सपोर्ट करिए। अब क्या ही कहूँ, किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। लोग जब ऊटपटांग चीज़ें दिखाते हैं ना, तो वहाँ पर लोग दौड़े दौड़े चले जाते हैं, जो है घटिया टाइटल थंबनेल देखकर। लेकिन जो ईमानदारी से काम करता है ना, उसकी मदद लोग कम ही करते हैं। फिलहाल के लिए चलो, भगवान के भरोसे सब कुछ है। यहाँ पर तड़का पक चुका है, अब इसमें ऐड कर देते हैं मेथी का साग। थोड़ा सा चला लें ताकि नीचे ऊपर हो जाए, मिक्स रहेगा तो सही रहेगा। 5 मिनट मैंने मेथी को फ्राई किया हुआ, उसके बाद इसमें आलू ऐड कर देते हैं। तो हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अभी हम इसमें नमक नहीं ऐड करेंगे, ताकि थोड़ा सा कम हो जाए, तो नमक की मात्रा जो है अच्छे से पड़े। अगर ये ज़्यादा है, अभी गलने के बाद थोड़ा कम हो जाएगा, तो नमक आप तुरंत ऐड कर देते तो कम ज़्यादा भी हो सकता है। इसके लिए नमक मैं थोड़ा पक जाने के बाद, हाफ पका रहेगा तो डालूंगी। इसके बाद मुझे आटा लगाना है, बर्तन धो के आती हूँ तो मिलती हूँ आप लोगों से। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। तो छोटी सी मिस्टेक हो गई, और मैं जब बना रही थी मेथी का साग, तो मैं जो है वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर, मतलब मेथी का साग बना के भून दिया, आप लोगों ने देखा ही यहाँ तक। उसके बाद मैंने रोटी बनाया, दूध गर्म किया, जो भी कार्यक्रम किया शाम का, मैं भूल गई, वीडियो नहीं बना पाई लास्ट में। तो पूरा आधा अधूरा रह गया सब कुछ। नेक्स्ट टाइम शेयर करेंगे बढ़िया से, प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होइएगा। और ये सुबह का टाइम है, बज रहे हैं लगभग 11:30 के आसपास का समय है। तो मैंने सोचा भैया आधे अधूरे में अगर छोड़ेंगे तो आप लोग भी नाराज़ हो जाएंगे, थोड़ी सी बात ही कर लेते हैं आप लोगों से। तो जो नई हमारी फैमिली आती है, प्लीज़ मंजू तिवारी ऑफिशियल पर बढ़िया गीत सुनाती हूँ मैं। लोक गायिका मुन्नी दुबे पर भी आप लोगों का स्वागत है जो है। और ब्लॉग देखने के लिए, अच्छी जानकारी पाने के लिए, कृपया मेरे ब्लॉग चैनल यानी मंजू तिवारी रियल ब्लॉग को भी सब्सक्राइब करें जो है। क्या चीज़ दिख रहा है, वो पॉलीथीन में है दवा है मेरी, और वहाँ पर हैंड स्टिक रखी हुई है, मेरा दूसरा वाला फ़ोन रखा हुआ है जो है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना प्यार सपोर्ट विश्वास बना के रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम डेली रूटीन या अच्छे ब्लॉग के साथ। मैं सोचती हूँ कभी कभी अपना डेली रूटीन या जर्नी भी शेयर कर दिया करूँ आप लोगों के साथ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पूरा वीडियो को वॉच करें, लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।